हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी होते क्या हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, अब जैसे मैं यहाँ पे एक सर्किट है, इस सर्किट में एक बल्ब है, बल्ब से दो वायर्स कनेक्टेड है और एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो होता है। हमेशा ये चीज याद रखने वाली है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो होता है, तो करंट की डायरेक्शन ये है। तो इस करंट के फ्लो होने का रीजन क्या है, इस वायर में कुछ बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि करंट कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव होते हैं तभी करंट फ्लो होता है। और ऐसी कई सारी हमारे डेली लाइफ में कई सारे ऐसी अप्लायंसेज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही वर्क करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सारे अप्लायंसेस जो है हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही काम आते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड हैं। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वाइडली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशन है ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होती है, जैसे कि आयरन। अब ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट होती है, आयरन जो होती है जिसे हम अपने कपड़े आयरन करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, केटल, टोस्टर, हीटर, ये सारी क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट करती हैं। तो यही इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम कि कैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। द सेम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स व्हिच इज इन द अल्टरनेटिव ऑफ कन्वेंशनल लैंप्स, यानी कन्वेंशनल जो पहले लैंप्स होते थे उनकी जगह पे अब इलेक्ट्रिक बल्ब्स आ गए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही वर्क करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर इट जनरेट्स हीट ड्यू टू हिंड्रेंस कॉज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लोइंग करंट। इसका मतलब क्या है, यानी कि जब किसी कंडक्टर में, कंडक्टर क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर फ्लो करने की परमिशन दे देता है, वो सब्सटेंस, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में पास होता है तो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से, कोई ऐसे डिस्टर्बेंस आती है जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है, तो इसलिए वो फ्लोइंग करंट, इट जनरेट्स हीट ड्यू टू द हिंड्रेंस कॉज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लोइंग करंट, यानी कि कुछ डिस्टर्बेंस आती है करंट की डायरेक्शन में जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब ये था। द वर्क डन इन ओवरकमिंग द हिंड्रेंस टू द करंट जनरेट्स हीट इन दैट कंडक्टर। अब उस ऑब्स्ट्रैक्शन को, उस करंट की फ्लो को जो ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है यानी कि रोक रहा है, उस चीज को हमें रोकने के लिए जो वर्क डन होता है उससे हीट जनरेट होती है, यानी कि करंट की डायरेक्शन को कोई एक ऐसी चीज होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रोकती है, ठीक है। अब उस चीज को हमें हटाने के लिए, ताकि करंट हमारा सही से फ्लो हो, जो वर्क करते हैं उस वर्क की वजह से हीट जनरेट होती है। हम कोई भी वर्क करते हैं तो हीट जनरेट होती है, ठीक है। फिजिक्स में हम यही पढ़ेंगे कि कोई भी हम वर्क करेंगे तो वो हीट जनरेट होती है उस वर्क से, ठीक है। तो वर्क डन किस लिए होता है, ताकि हम करंट की डायरेक्शन को प्रॉपरली फ्लो कर सके, यानी करंट प्रॉपरली फ्लो कर सके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, हमने फ्यूज ये वर्ड सुना है कि फ्यूज उड़ गया, इस तरह से जनरली बोला जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं। इन एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू सडन राइज ऑफ करंट द इंस्ट्रूमेंट गेट्स बर्न डाउन विच समटाइम रिजल्ट्स इन फायर व्हेन द करंट राइजेस द वायर मेल्ट्स डाउन ड्यू टू एक्सेसिव हीट Thus breaking the electrical circuit। इसका मतलब क्या है, जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, मान लो आयरन है, वो आयरन में अगर अचानक से बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा, ठीक है, हमारे सॉकेट से अचानक से अगर बहुत ज्यादा करंट आ गया, बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, वो बर्न हो जाएगा, हमारे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, सारे वायर, उसकी वायरिंग सारी बर्न हो जाएगी। तो ताकि ये ना हो तो उसके लिए हम उसमें फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज तो अब बहुत पुराना तरीका हो गया, अब एक नई चीज आ गई है एमसीबी, जो कि अपने आप ही डाउन हो जाती है। अभी हम एमसीबी पढ़ेंगे, एमसीबी क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज में ये वायर दिख रहा है आपको, ये वाला वायर दिख रहा है इधर,
तो ये बहुत थिन वायर होता है, तो जब भी बहुत ज्यादा करंट पास होता है तो क्या होता है, ये इसका वायर इतना सेंसिटिव होता है कि ये टूट जाता है। अब ये टूट जाएगा तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये टूट जाएगा ये वायर तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब सर्किट ब्रेक हो गया तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो फिर इससे हम क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट से हम बच सकते हैं। यानी कि जो फायर है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, वो आयरन और उसकी वायरिंग खराब नहीं होगी, क्योंकि करंट ही अगर फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि टूट जाएगा ये सेंसिटिव वायर, ये टूट जाएगा, अभी इसके सर्किट को रोक देगा तो करंट फ्लो नहीं होगा और उसकी बर्निंग रुक सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब हम इसमें तीन तरह के वायर के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होते हैं, यानी कि हमारे घर में, घर के सॉकेट में जो यूज होते हैं वो तीन तरह के वायर कौन कौन से होते हैं ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिफाइड लायर या वायर या फिर फेज वायर, ये हम पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ सॉकेट इन विच देर इज अ ब्लिंक ऑफ लाइट ऑन यूजिंग टेस्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफाइड वायर और फेज वायर। इट इज मोस्टली रेड प्लास्टिक कवर्ड वायर। अब वो पार्ट सॉकेट का, वो पार्ट जिसमें अगर हम टेस्टर पुट करते हैं, टेस्टर होता है जिसमें, टेस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि कौन से पार्ट में इलेक्ट्रिक करंट है और कि कौन से पार्ट में करंट नहीं है। ठीक है, अगर सॉकेट में करंट है तो वो टेस्टर ब्लिंक करेगा, उसमें थोड़ी सी लाइट जलेगी। ठीक है, तब तो उस जो सॉकेट है उसमें करंट है, अगर नहीं ब्लिंक करा तो उसमें करंट नहीं है। तो जिस सॉकेट में करंट है अगर वो ब्लिंक करा, मतलब अगर टेस्टर में लाइट जली, तो वो कौन सा वायर है, इलेक्ट्रिफाइड वायर या फिर फेस वायर। और ये रेड कलर का होता है, यानी कि इस वाले वायर में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट होता है। ठीक है, कौन से वायर में, इलेक्ट्रिफाइड वायर या फिर फेस, इसको फेस भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रिफाइड वायर भी बोल सकते हैं। इस वायर में करंट होता है क्योंकि टेस्टर जब हम इसमें अप्लाई करेंगे इस सॉकेट में, तो वो टेस्टर ब्लिंक करेगा। नेक्स्ट है आइसोलेटेड वायर या फिर न्यूट्रल वायर। जब हम टेस्टर इस पार्ट में, इस फेज में रखेंगे तो कोई लाइट ब्लिंक नहीं करेगी, देयर इज नो ब्लिंक ऑफ लाइट, यानी कि बिल्कुल टेस्टर ब्लिंक ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी करंट नहीं है, बिल्कुल भी करंट नहीं है, इसलिए इसको न्यूट्रल वायर कहते हैं या फिर आइसोलेटेड भी कहते हैं, आइसोलेटेड वायर भी कहते हैं। और ये ज्यादातर ब्लैक कलर की प्लास्टिक में होता है, ये वायर ब्लैक प्लास्टिक कवर्ड वायर होता है। थर्ड टाइप का वायर होता है अर्थिंग वायर, ये ग्रीन कलर का होता है। अब हम पढ़ेंगे अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग वायर से पढ़ने से पहले अर्थिंग पढ़ेंगे क्या होता है। अर्थिंग इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इंश्योर्स दैट इफ एनी मेटल कोटिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज इन टच विद द फेज वायर देन मैन यूजिंग दैट इक्विपमेंट डज नॉट गेट अ शॉक। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर कोई भी इंसान अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज यूज कर रहा है, मान लो आयरन यूज कर रहा है या फिर आयरन यूज कर रहा है, और अगर उसके ऊपर की प्रोटेक्टिंग लेयर हट गई है, यानी कि उसकी यानी प्लास्टिक टूट गई, जैसे कि प्लास्टिक उसके ऊपर जो प्लास्टिक कवर थी आयरन के ऊपर वो टूट गई, तो डायरेक्टली उसका हाथ किस पे लगा है, फॉर एग्जाम्पल उसका हाथ वायर से टच हो रहा है उस इंसान का। ठीक है, तो क्या होगा, उस इंसान को शॉक लग जाएगा, अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो उस पर्सन को शॉक लगेगा। ठीक है, तो अर्थिंग ऐसा सिस्टम है जिससे कि उसको शॉक ना लगे, ठीक है, वो शॉक से बचे। तो ये सेफ्टी डिवाइस होती है, क्या सेफ्टी करती है कि अगर कोई मेटल कोटिंग हट गई है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज की, तो अगर उसे कोई टच करे तो उसको शॉक ना लगे। ठीक है, When a plastic insulation of a live wire and neutral wire becomes worn out, they get naked and accidentally come in contact, then it is known as short circuit. अब क्या होता है, अगर किसी के ऊपर जो प्लास्टिक लगी हुई होती है, प्लास्टिक क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वायर्स के ऊपर प्लास्टिक लगाई जाती है ताकि किसी को शॉक ना लगे। तो अगर किसी की प्लास्टिक हट जाती है और किसी कोई कॉन्टैक्ट में आ जाता है, कोई भी चीज कॉन्टैक्ट में आ जाती है एक्सीडेंटली, तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और दो कॉजेज हैं शॉर्ट सर्किट के। पहला है कि अगर प्लास्टिक की जो इंसुलेशन, प्लास्टिक का जो कवर उसके ऊपर लगा हुआ है वो बहुत ही पुराना हो गया है, वॉर्न आउट का मतलब बहुत ही पुराना हो गया है,
या फिर सेकंड रीजन ये हो सकता है कि जो प्लास्टिक है वो मेल्ट हो गई है। ठीक है, ये दो रीजन है किस चीज के, शॉर्ट सर्किट के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि MCB, ये किसकी जगह ले ली है इसने आजकल, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज की। अब जब भी कोई भी अप्लायंस में ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है तो उस अप्लायंस में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि उसके वजह से किसी को करंट भी लग सकता है, किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है और जो वायरिंग है उस डिवाइस की वो भी खराब हो सकती है। तो ताकि ये सब ना हो, ज्यादा करंट फ्लो होने की वजह से ताकि ये सब ना हो, तो आजकल MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि सर्किट ब्रेकर, इसके नाम में ही आ रहा है इसका मेन यूज, सर्किट ब्रेकर यानी कि सर्किट को ब्रेक कर देता है। ये क्या करता है, जैसे ही ज्यादा करंट फ्लो होता है तो इसके स्विच डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से सारा करंट फ्लो स्टॉप हो जाता है। तो इसको बार बार चेंज भी नहीं करना पड़ता, ये ज्यादा सेफ है फ्यूज से। MCB इज इलेक्ट्रिकली सेफर देन फ्यूज, ये बहुत ज्यादा सेफ है फ्यूज से, क्योंकि हमें इसे चेंज नहीं करना होगा, हम इसको वापस ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसको वापस हम ऑन कर सकते हैं ताकि हमारा करंट वापस से फ्लो करे। Nowadays we use an MCB in low voltage electrical network instead of fuse. हम fuse की जगह इसकी यूज करने लगे, मैंने आपको बताया था। Fuse may not sense it, but the miniature circuit breaker does it more reliable way. यानी कि fuse ज्यादा इसको अच्छे से नहीं कर पाता, अगर पॉइंट में भी अगर ऊपर हो गया करंट और वो हार्मफुल नहीं है तब भी जो fuse है, फ्यूज वायर है वो ब्रेक हो जाएगा, पर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऐसा नहीं करता। जब बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है तभी वो ब्रेक करता है सर्किट को, तभी वो डाउन हो जाता है, डाउन हो जाता है, फिर हम इसको वापस से ऑन कर सकते हैं यानी अप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का कौन, किसने ये सब, ये सारे टर्म लाई, किसने ये सारे चीजों में बात करी, इन द ईयर 1820। तो इतनी पुरानी बात है 1820 की। एक डैनिश साइंटिस्ट था क्रिश्चियन ओरस्टेड, वो लेक्चर दे रहे थे एक बार अपने क्लासरूम में। ठीक है, लेक्चरर थे वो, अपने किसी क्लासरूम में वो लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल को नोटिस किया, यानी कि एक जो कंपास होता है हमारा उसको उन्होंने नोटिस किया कि उसकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ थी, और फिर जैसे ही पास में कोई करंट कैरिंग वायर था, किसी वायर में करंट था, तो जैसे ही उसकी करंट ऑफ किया उन्होंने तो उसकी डायरेक्शन कुछ और हो गई, और जैसे ही करंट ऑन किया तो उसकी डायरेक्शन वापस से वही हो गई जो पहले थी। तो फिर इससे रिलेटेड उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसको हम अब पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये है मैग्नेटिक कंपास, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, और ये वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, और ये सारी रेस्पेक्टिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक कंपास होता है। इसमें ओरस्टेड ने डिफ्लेक्शन यानी कि जो सुई नीडल की जो डायरेक्शन थी जो चेंज हो रही थी उसको उन्होंने नोटिस किया था। तो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास ऑन द कार्डबोर्ड एंड मेक टू होल्स इन द कार्डबोर्ड। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कार्डबोर्ड ले लेंगे, उसके ऊपर कंपास प्लेस करेंगे, उस कार्डबोर्ड में हम दो होल कर देंगे, उन दो होल्स में हम वायर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, कनेक्ट द इलेक्ट्रिक वायर्स थ्रू अ सेल और बैटरी। अब क्या करेंगे, दोनों वायर्स को कंपास के दोनों साइड पर अटैच कर देंगे, और जो बाकी के दोनों एंड्स हैं हम उसको एक सेल या फिर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अब हम उसकी जैसे डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि उस नीडल की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब हम उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। When the independent ends of the wire are joined with cell, electric current flows. यानी कि जब वायर सेल से जोड़े जाते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। The conducting wire behaves as a magnet and the magnetic needle gets dispatched. यानी कि जो वायर है वो बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और जो मैग्नेटिक नीडल होती है, जो मैग्नेट की नीडल होती है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है, यानी कि वो अपनी जगह से डिस्पैच होती है। सेकेंड पॉइंट है, मैग्नेटिक नीडल गेट्स रिफ्लेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। जब करंट फ्लो होता है तब नीडल की डायरेक्शन कुछ और होती है, और जब करंट फ्लो होना रुक जाता है उन वायर्स में तब जो नीडल की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है।
इफ द लिंक इज डिस्कनेक्टेड देन द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो. अगर उस लिंक को हम हटा देंगे यानी कि अगर हम करंट को फ्लो कराना बंद कर देंगे, कनेक्टिंग वायर्स को अगर हम उनसे अलग कर देंगे मैग्नेट से, तो करंट फ्लो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है. एंड द कंडक्टिंग वायर डज नॉट बिहेव एज अ मैग्नेट. अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो जो कंडक्टिंग वायर्स है यानी कि जो वायर्स हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देंगे. हेंस द नीडल रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो नीडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल करंट फ्लो होता है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है. करंट की नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है, ठीक है, नॉर्थ साउथ. और जैसे ही करंट मतलब करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो इस नीडल की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, कोई क्यों डायरेक्शन हो जाती है इस नीडल की, ठीक है. तो यह है इसका एक्सप्लेनेशन, किसका, हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.